मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको बेस्ट समर मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ और बहुत कम प्रोडक्ट के साथ में दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया था जब मैं नहा के आई थी, बट अभी मैंने अपने फेस पे फेस मिस्ट लगाया है प्लम का। बहुत अच्छा फेस मिस्ट होता है ये, और आप देख सकते हैं अब मैं NYV का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, और इससे आपके फेस पे एक मैट फिनिश आ जाएगी जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी अच्छे से आपके स्किन पे स्टे करेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही अपने फेस पे आपको ये बहुत अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं मैं एले गर्ल का प्रो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। बहुत अच्छा फाउंडेशन है और ये मेरे कलर टोन से 2 टोन लाइटर है। और आप कभी भी अगर अपने फेस पे ज़्यादा कुछ लगाने के मूड में नहीं है तो आप अपने फेस पे जो आपकी कलर टोन है उस कलर टोन से 1 टोन या 2 टोन लाइटर ही अपने ऊपर फाउंडेशन यूज़ करें। और देखिए अगर आप HD फाउंडेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने HD फाउंडेशन लिया है, प्रो कंसीलर प्रो HD फाउंडेशन है ये एले गर्ल का, तो अगर आप ये इस तरीके का HD फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो आपका गर्मियों में मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि HD जो होता है वो आपका हाई डेफिनेशन मेकअप होता है, जिसकी वजह से आपके फेस पे एक बहुत अच्छी कवरेज सी हो जाती है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं लैक्मे का फाउंडेशन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा पाउडर फाउंडेशन है और ये बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग समर में हमें पसीना वगैरह बहुत जल्दी से आता है, तो हमें अपने फेस पे थोड़ा मैट लुक ही रखना चाहिए ताकि हमारा जो फेस का मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे। और HD जितने भी प्रोडक्ट होते हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो उससे हमारा मेकअप वैसे भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो मुझे ये फाउंडेशन पाउडर बहुत अच्छा लगा, और जो मैंने एले गर्ल का फाउंडेशन यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। आगे भी आप लोग मेरी वीडियो में काफ़ी उसे देखेंगे, और मैं उसको पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप दोनों में कई बार यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी, काफ़ी अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं मैं ADS का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप आई शेडो पैलेट में जो ब्लैक कलर का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज क्योंकि मैं आई शेडो पैलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, और इसलिए मैंने फिर ये ADS का अलग से लिया है, क्योंकि आज मैं कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ नहीं करूँगी। बहुत ही लिमिटेड सामान से आज मैं आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, और आईब्रो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं आईब्रो अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो हमारी जो मेकअप है उसका अलग ही ग्रेस हो जाता है। तो जब ये दोनों आईब्रो डिफाइंड हो गई तो देख सकते हैं आप, और ये माई ग्लैम का बहुत अच्छा 3-in-1 आई शेडो 3-in-1 पैलेट है, जिसमें मैं देखिए आई शेडो वाला काम भी इसी से कर रही हूँ। तो इस पैलेट के अंदर आपको हाइलाइटर मिल जाएगा, ब्लशर मिल जाएगा और आपको कॉन्टोर मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों से आप अपने फेस पे ये तीनों काम बहुत आराम से कर पाएंगे। और देखिए मैं इसी से आई शेडो वाला काम भी कर रही हूँ, तो मैंने पहले इसमें से जो इन लोगों ने दिया है हाइलाइटर के लिए वो हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के नीचे अपनी आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए, और उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे भी उसी को यूज़ किया। और जो इन लोगों ने मुझे ब्लशर के लिए दिया है वो मैंने पिंक वाला आउटर कॉर्नर पर अपनी आई पे आई मेकअप के लिए यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही ऐसा मेकअप करना चाहिए जो दिखे नहीं फेस पे ज़्यादा, और आँखों का मेकअप भी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। और अभी मैं ये जो मैं मेकअप आपको करके दिखा रही हूँ ये मेकअप के लिए मैं सच में कहीं जा रही हूँ, मतलब आप मेरा दूसरा चैनल जो है उस पर देख सकते हैं कि मैं आप सच्ची में कहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ओनली फॉर आप लोगों को दिखाने के लिए मेकअप कर रही हूँ। तो आप देख सकेंगे कि उस पर जब मैं यूज़ करूँगी तो कितने टाइम तक चलेगा ये। तो देखिए मैं इसी में से अब हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये 3-in-1 पैलेट है बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं इसके जो हाइलाइटर का पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा कभी ना कभी। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से ही मैंने अपने फेस को हाईलाइट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हाईलाइटिंग हुई है। और अब इसके बाद मैं अपने फेस पे ब्लशर लगाऊंगी, तो मैं वो ब्लशर भी इसी में से यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस पैलेट ने हमारा आई शेडो वाला काम भी कर दिया और हमारे फेस पे कॉन्टोर भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया और ब्लशर भी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा एक ही चीज़ से हमारा 4-in-1 काम हो गया है। तो ये 3-in-1 बट हमारा 4-in-1 काम हो गया है, क्योंकि हमने आई शेडो भी इसी से लगा लिया।
तो अब आप देख सकते हैं मैं कॉन्टोर कर रही हूँ और मैं बहुत लाइट कॉन्टोर करूँगी क्योंकि ज़्यादा हैवी कॉन्टोर फिर फेस पे बहुत ज़्यादा पता चलता है क्योंकि मेकअप का बेस जो है वो भी ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम। इसी तरीके से आप बिल्कुल समर में बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ और बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं कॉन्टोर कर रही हूँ इस टाइम और बहुत लाइट लाइट कंट्रोल कर रही हूँ, बट इतने से भी बहुत स्किन पे अच्छा सा एक ग्रेस आ जाता है, फेस को एक शेप मिल जाती है बहुत अच्छी। और ये मेकअप मेरा कम से कम 12-13 घंटे चला था और बहुत अच्छा इसका लुक है। और मेरी जो दूसरी चैनल है उस पर आप इसको देख सकते हैं, मुझे आज कहीं जाना था तो मैंने उसके लिए ये मेकअप किया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं अपने मतलब जो मेकअप आप लोगों को दिखाती हूँ वो ज़्यादातर मेरे मेकअप रियल ही होते हैं। मुझे कहीं जाना होता है तो मैं मेकअप करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं ये कलर बार की काजल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा काजल है ये ब्लैक कलर का और ये काफ़ी डार्क ब्लैक है। इसी की वजह से देखिए आप देख सकते हैं मैं लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, ओनली फॉर इसी से करूंगी क्योंकि देखिए गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में आप लोगों को लाइनर वगैरह कम यूज़ करना चाहिए और काजल भी उस तरीके का यूज़ करना चाहिए जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ हो। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत वाटर प्रूफ है। तो अब आप देख सकते हैं मैं जो पैलेट मैंने यूज़ किया था अभी 3-in-1 उसी पैलेट में से मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ जो मैंने जो कॉन्टोर के लिए उन लोगों ने दिया है और अपने काजल को हल्का सा सेट कर रही हूँ तो थोड़ी आँखें और भी अच्छे से बड़ी बड़ी लगने लगेंगी। और अब आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट लुक डन है और बहुत ही कम प्रोडक्ट, आई थिंक 8 या 9 प्रोडक्ट के साथ में मैंने ये आपको लुक करके दिया है और ये लुक 10 मिनट से भी पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो ये बहुत ही सिंपल सा लुक है जिसको आप कहीं भी एकदम से करके जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके हस्बैंड वगैरह ने आपको बोला है कि मुझे पार्टी में जाना है आपको मेरे साथ और जल्दी से तैयार हो जाइए तो परफेक्टली आप बहुत जल्दी से तैयार हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैं ये पर्पल का लिप क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ और ये लिप क्रेयॉन बहुत अच्छा कलर है इसका। और गर्मियों में वैसे हमें बहुत लाइट शेड यूज़ करने चाहिए, बट मैं कैपरी और टॉप पहन रही हूँ, उसके ऊपर आज मुझे कुछ नया करने का मन था क्योंकि मैंने लाइट किया है बहुत मेकअप तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे होंठ थोड़े से बोल्ड लगे। तो अब आप देख सकते हैं ये लिप क्रेयॉन मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड, तो मैंने इसलिए ये अपने होंठों पे यूज़ किया है। और अब आप देख सकते हैं मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, तो ये आप लोग कलर बार का मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा होता है ये और हमारी आई लैसेज को बहुत ही बिग दिखाता है क्योंकि मेरी आई लैसेज ऑलरेडी बहुत पतली पतली हैं और मतलब है भी नहीं, बहुत कम है, तो उसकी वजह से मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो मेरी आंखों को थोड़ा सा हल्का सा ये बड़ा दिखाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाटर प्रूफ है, बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, अगर आपको पसीना वगैरह भी आएगा तो ये जो मेकअप है ये आपका कम से कम 12-13 घंटे के लिए बहुत परफेक्टली है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये मेकअप हो गया है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए तो जो मैंने कपड़े पहने थे उसके हिसाब से मैंने ये मेकअप किया है और मैं बहुत सिंपल सी छोटी सी ऐसी घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग एक दिन के लिए कहीं, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कैप्री और टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर मैंने ये मेकअप किया है। तो मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने आज क्या वेयर किया हुआ है, तो जो मैंने इस टाइम पे कपड़े पहने हुए हैं उसके हिसाब से ये मेकअप बिल्कुल फिट है। तो अगर आप लोगों को बहुत क्विकली कहीं तैयार होकर जाना हो तो प्लीज़ इस मेकअप को एक बार जरूर करके देखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।